hello dear viewers welcome back Lit, litwitz is back again with another poem of class 10th as you can see in the picture a tiger in the zoo it is a short poem of five stanzas very simple in an easy language and i uh, hope you'll be able to understand it very well so let us begin this is a picture of the poem a tiger in the zoo and here i have also put up the uh, poem itself If anybody wants इफ एनी you can. टू रीड इट यू कैन एज यू कैन सी द पोम इज इन फाइव स्टैंड ये टू थ्री फोर एंड five. फाइव स्टैंडर्स ऑफ फोर four lines each. Uh, बहुत ही सिंपल सा पोम है लैंग्वेज भी इजी है और जैसा कि टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है हम पोम में किसके बारे में बात हो रहा है टाइगर के बारे में जो कि जू में है और जब जू में है तो वो एक केज में है पिंजड़े में है पोएम में एक कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत किया गया है कि जो टाइगर ज़ू में है केज में और जो जंगल के एक natural, अपने नेचुरल हैबिटेट में है ज़ू में उसे बहुत कम जगह मिल आ, मिल पाता है टहलने के लिए घूमने के लिए जबकि फॉरेस्ट में वो बिल्कुल शान से रहता है क्योंकि हम सभी जानते हैं टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल और फॉरेस्ट में ही वो um, उसकी रॉयल्टी रहती है बिकॉज एज यू नो इट इज़ अ रॉयल मतलब रॉयल बेंगाल टाइगर एज वी ऑल नो एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट टाइगर बहुत ही uh, अच्छे से रहता है और फ्रीली uh, रहता है फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट एंड इज़ अ कॉन्ट्रास्ट प्रजेंटेड इन द पोम बाई द पोएट लेस्ली रॉरिस तो इस पोएम में हम उसको देखेंगे और पढ़ेंगे कि दोनों जब दोनों हैबिटेट में यानी कि ज़ू में और टाइगर uh, इन द फॉरेस्ट में कितना डिफरेंस होता है कि टाइगर कितना फ्रस्ट्रेट होता है जू में रह करके एंड एज़ आई ऑलवेज़ डू दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लेसलिन नॉरिस इज एज यू कैन सी ही इज़ द पोट हु टाइगर इन द ज़ू ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू गिव अबाउट द ऑथर दिस इज़ a tiger in the zoo Uh, there is a small spelling mistake here. It is Leslie Norris. Okay, please don't mind. It is just minute, okay. Wait a minute. Here, there is a spelling mistake. It is Leslie Norris. Okay, guys, hope you don't mind. And uh, Leslie Norris is a prize winning Welsh poet and a short story writer. And uh, the theme of the poem is.

इसको uh, पोएट ने डिपिक्ट किया है इस पोम में एंड अगेन प्लीज़ करेक्ट द स्पेलिंग ओवर हियर आल्सो इट इज लेस्ली नॉलेज ओके लेस्ली नॉलेज डिस्क्राइब्स दैट एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द एनिमल्स एंजॉयज फ्रीडम एंड देयरफॉर बीइंग केज्ड ओनली फ्र स्ट्रेट जू एनिमल्स टू हम सभी को आज़ादी बहुत प्रिय है जानवरों को भी होती है एंड uh, जब वो केज में होते हैं तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं दे डोंट वॉन्ट टू बी इन द ज़ू एक्चुअली वो जेम ज़ू में केज में पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं इसलिए हमें भी उनको कैद नहीं करना चाहिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट इवन देन आई हैव गि अड ओ भैया फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम अ टाइगर इन द जू इज़ अ लवली पोम बाई ले नॉरिस इट इज़ इन दिस पोम इट इज़ पोम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द ज़ू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू दोनों पिक्चर को प्रस्तुत किया गया है जू का भी और फॉरेस्ट का भी जंगल का भी इन हिज़ नेचुरल सराउंडिंग्स द टाइगर इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल टाइगर अपने जब नेचुरल सराउंडिंग्स में होता है यानी कि जब वो फॉरेस्ट में होता है तो टाइगर कैसा होता हैप्पी होता है जॉयफुल होता है अपने रियल सेल्फ uh, में होता है एज ही इज़ अ वाइल्ड एनिमल एज यू ऑल नो बट इन अ केज ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल यानी कि वो बहुत टाइगर जब केज में होता है जू में होता है तो बहुत ट्रबल्ड uh, रहता है विचलित रहता है रेज में क्रोध में रहता है गुस्से में रहता है चिड़चिड़ाया हुआ रहता है द पोम शो इज़ द ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम तो पोएम में क्या बताया गया हमें थीम क्या है इट इज़ अबाउट द फ्रीडम ऑफ द एनिमल्स एनिमल्स डू नॉट वॉन्ट टू बी केज और फॉर शो एज इन दू दे वॉन्ट टू बी सेट फ्री जैसा कि इस पोम का थीम है एंड नाउ लेट एस बिगिन विद द स्टैंड विच इज अ शॉर्ट पोम ऑफ फोर लाइन्स फाइव स्टैंडर्स ऑफ फोर लाइन ऑलरेडी सेट नाउ he he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage now uh, this this is a uh, these are the first four lines he who is he here he is a tiger so what figure of speech is this personification manvi karan maine kai bar kai poems mein bataya hai jab hum मानवीकरण करते हैं उस उसको बोलते हैं परसोनिफिकेशन तो टाइगर को यहाँ पे क्या किया गया है टाइगर का मानवीकरण किया गया है दैट इज परसोनिफिकेशन ही ही मतलब टाइगर ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स विविड की मीनिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ से इंटेंस डीप और ब्राइट उन टाइगर के बॉडी में आपने देखा होगा टाइगर का कोट कैसा होता है स्ट्राइप्स होता है और जो स्ट्राइप्स होता, होता है वो अच्छे डीप कलर का होता है क्लियर होता है फ्यू स्टेप्स ऑफ इसकेज फ्यू स्टेप्स मीन्स केज कितना बड़ा छोटा केज है हाँ और अगर सपोज ये केज है सपोज सपोज दिस इज अ केज फ्यू स्टेप टाइगर कितने स्टेप्स ले सकता है यहाँ से जस्ट इमेजिन टाइगर यहाँ पे बहुत ही फ्यू स्टेप्स ले सकता है वॉट इम्प्लाइज इज की वो कंपेयर टू द फॉरेस्ट दिस इज़ अ केज इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस फॉर द टाइगर एंड टाइगर इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी इन दिस केज मतलब कि जब हम फॉरेस्ट से कंपेयर करते हैं जब खुला uh, जंगल होता है जहाँ पे टाइगर फ्रीली मूव कर सकता है शिकार कर सकता है उसके कंपैरिजन में केज बहुत ही छोटा है और टाइगर वहाँ पे शांत है पर क्रोधित भी है सो दिस इज़ अ फ्यू स्टेप्स ऑफ आई होप यू अंडरस्टूड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट टाइगर का पाव दिस दिस पैड्स मीन्स द टाइगर का पाव टाइगर के जो पंजे होते हैं वेलवेट क्यों बताया गया है वॉट इज द मीनिंग ऑफ वेलवेट हीय वेलवेट मतलब सॉफ्ट जिसको पैर जब टाइगर पैर अपने पंजे रखता है चलता है तो हमें आवाज़ नहीं आती है दैट इज़ वाई ऑन फ्यू वो जो स्टेप्स लेता है केज में ऑन पैड्स ऑफ यानी कि उसके जो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स उसके जो, जो, जो पाँव होते द पॉज ऑफ द टाइगर आर लाइक वेलवेट एंड क्वाइटली ही टेक्स अ फ्यू स्टेप्स इन द केज इन इज क्वाइट रेज टाइगर शांत है पर टाइगर बहुत गुस्से में है फ्रस्ट्रेटेड है ओके okay? सो दिस इज ही इज पर्सोनिफिकेशन फॉर द टाइगर एंड ये टाइगर के स्किन के बारे मतलब टाइगर के जो स्ट्राइफ बॉडी में होता है उसका डिपिक्शन है एंड फ्यू स्टेप्स ऑफ इसकेजिक लिमिटेड स्पेस डेट ही हैज़ बीन गिवन इन दू ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स द पॉज ऑफ द टाइगर एंड इन हिस क्वाइट रेंज मीन्स टाइगर शांत है पर में है फ्रस्ट्रेटेड है एंड आई यू यहाँ पे एक और फिगर ऑफ वाले शब्द को साथ साथ प्रेजेंट करते हैं जब वो साथ में आते हैं तब उस ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीमोर अब यहां पे देखिए इट इजन क्वाइट मीन्स शांत एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेज मीन्स वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर यानी कि बहुत उग्र होना तो एक तरफ शांत एक तरफ उग्र ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जब दोनों ऑपोजिट आइडियाज या थाट्स को हम साथ में लिखते हैं जक्सटा पोजिशन में रहता है यानी कि एक साथ आते हैं दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन सो वी कैन सी इन दिस स्टैंडा देर इज अ पर्सोनिफिकेशन हियर एज आई सेट एंड देर इज अ डर फिगर ऑफ स्पीच oxymoron इन द फोर्थ लाइन ओके आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे फिगर ऑफ स्पीच भी आप जानते रहिए साथ, साथ में इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू ओके सो एज यू कैन सी द मीनिंग ऑल्सो विविड मीन्स इंटेंस डीप और ब्राइट रेज मीन्स वॉयलट अनकंट्रोलेबल एंगर क्रोध गुस्सा मैंने फर्स्ट एंसा एक्सप्लेन भी कर दिया है फिर भी आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट एंसा Of the poem a tiger in the zoo we can understand the poet is talking about a tiger inside the cage he say he has very bright stripes of black color and his claws are as soft and smooth as the velvet cloth he seems to be very angry and is enraged because he is not able to move around freely and is kept inside a cage like a prisoner even though he should be living freely in his natural home that is the फॉरेस्ट टाइगर क्रोधित क्यों है क्योंकि टाइगर को एक लिमिटेड स्पेस में कैद करके रखा गया है एक कैदी की तरह एक प्रिजनर की तरह और वो फ्रीली मूव अबाउट नहीं कर पा रहा जैसा कि जंगल में कर पाता इसलिए टाइगर क्या है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा ये फर्स्ट टांजा में बताया गया है ओके नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टांजा

प्ल्प मीन्स फैट प्लम्प प्लम्प यह मतलब एक अच्छा फैट एकदम स्वस्थ हिरन के बारे में बात कर रहा है जिसका टाइगर शिकार जंगल में अगर होता तो करता और ये बताया जा रहा है अगर वो इस वक्त फॉरेस्ट में होता तो घास लॉन्ग ग्रास जो फॉरेस्ट में होते हैं उसके पीछे छुपा होता एक वाटर होल के पास यानी कि जहाँ कोई कोई वाटर बॉडी होता जहाँ पे हिरन लोग पानी पीने आते तो वहाँ पे वो घात लगा के बैठा रहता है कि हाँ कोई फैट डियर आएगा और टाइगर उस पर अटैक करके उसका आ, उसे शिकार करेगा बिकॉज टाइगर हैज़ टू किल एनिमल्स फॉर हिज़ फूड बिकॉज इज अ वाइल्ड एनिमल क्योंकि टाइगर वाइल्ड एनिमल है डेफ़िनेटली टाइगर को शिकार करना ही पड़ेगा अपने भोजन के लिए तो हम सेकेंड स्टैंडा में क्या देखते हैं इन द सेकेंड स्टैंडा स्पेलिंग प्लीज आप स्पेलिंग इसका चेक uh, कर लीजिएगा एज आई ऑलरेडी सेट आई एम सॉरी फॉर दिस लेस्ली नॉरिस इज डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम द जंगल वेद द टाइगर इज हाइडिंग बिहाइंड टॉल ग्रास नियर द वॉटर होल वे अदर एनिमल्स कम टू ड्रिंक वाटर इंक्लूडिंग द फैट डियर ऑन विच ही फीस ये फीस होगा यहाँ पे इट uh, मीन्स अगर टाइगर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट का एक सीन डिपिक्ट करता है पोइट जहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर वो टाइगर फॉरेस्ट में होता तो लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा बैठा होता एक वाटर बॉडी के पास हम देखते हैं जहाँ वाटर बॉडी होता वहाँ के घास भी लंबे लंबे हो जाते हैं और टाइगर वहाँ पर घास लगा के बैठा होता जहाँ जानवर पानी पीने आते वहाँ एक फैट डियर भी आता जिसका टाइगर शिकार कर पाता बिकॉज ये yeah, उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है टाइगर को किल uh, uh, करना ही है बिकॉज ही इज अ वाइल्ड एनिमल ही हैज़ टू हंट इन ऑर्डर टू स्टे अलाइफ बिकॉज उसे भी तो फूड चाहिए ओके बाई डूइंग सो ही नॉट ओनली सर्वाइव वज ऑल्सो मेनटेन्स एंड बैलेंसेज द इकोसिस्टम बाई मेकिंग श्योर द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर हरवी बोर्स इज नॉट इनक्रीज रैपिडली मिसबैलेंसिंग द होल साइकिल ऐसा नहीं है कि जब पोइट ये कहते हैं इट्स नॉट मैंशन इसमें यह भी है समझने वाली बात है कि uh, टाइगर इज नॉट लाइक ही वॉन्ट्स टू किल बट बिकॉज ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है टाइगर को शिकार करना ही पड़ेगा हंट करना ही पड़ेगा फॉर हिस फूड और इस तरह जब टाइगर शिकार करता है अपने फूड के लिए तो उससे इको सिस्टम का भी बैलेंस बना रहता है क्योंकि एज यू ऑल नो इको सिस्टम में एक बैलेंस बना होना चाहिए क्योंकि अगर टाइगर शिकार नहीं करेगा तो जो हरबी बोज होते हैं जो uh, ऐसे एनिमल जो हर्वी बोज होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी एंड दे फॉर टाइगर ऑल्सो मैंटेन्स द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इकोसिसटम ओके आई होप यू गॉट इट नाउ अगेन इट इज अबाउट द टाइगर ही मीन्स द टाइगर ओके ही शुड बी स्नारिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स इज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज तो टाइगर के बारे में है ही मीन्स टाइगर ऑलरेडी सेट टाइगर का मानवीकरण हुआ है ही इज यूज फॉर अ टाइगर स्नारिंग मीन्स स्नारिंग एग्रेसिव ग्राउंड विथ बेड स्नारिंग मतलब शेर की सॉरी टाइगर की दहाड़ ओके फैंक्स फैंग इज अ लॉन्ग पॉइंटेड टूथ उसको फैंक बोलते हैं बेयरिंग मतलब एक्सपोजिंग जब हम उसको बेयर करना यानी कि दिखाना इस थर्ड स्टैंडा में पोइट क्या कहते हैं आइए हम देखते हैं इन द दर्ड स्टैंडा टाइगर इन द जू नॉरिस इज डिस्क्राइबिंग दैट आइडियली द टाइगर शुड नॉट बी अ क्रीचर दैट इज अफ्रेड ऑफ एनी थिंग एज इट इज नोन फॉर बींग फियरलेस एंड एंड फियर इंस्टेट ही मूव्स अराउंड एट द एंड ऑफ द जंगल नियर द हाउसेज ऑफ पीपल टेरराइजिंग दैम टाइगर बेसिकली हम जानते हैं टाइगर आइडियली ऐसा जानवर है जो निर्भीक है डरता नहीं है वो फियरलेस है वो कुंखार है फीयर्स है अभी टाइगर क्या कर रहा है इज मूविंग एट द एंड ऑफ द जंगल नियर द हाउसेस ऑफ पीपल और जब वो विलेज के लोगों को डरा रहा है कहाँ घूम रहा है टाइगर एंड ऑफ द आप देखेंगे क्या लिखा है uh, एट द जंगल जंगल्स जंगल्स है है मतलब जहाँ पे जंगल खत्म होता है वहाँ पे गांव स्टार्ट होता है वहाँ पे टाइगर गुर्राता हुआ स्नान करता हुआ घूम रहा है और अपने दाँत दिखा रहा है उसके मतलब ये वाइट फैंक्स इस क्लॉज मीनस टाइगर का फायरी एटीट्यूड दिखा रहा है हाउ फियर्स ही टाइगर एक फियर्स, फेरोशियस एनिमल है जंगली जानवर है तो इस लाइन से आप डिपिक्ट कर रहे हैं कि टाइगर कैसा वाइल्ड एनिमल है फियर्स एनिमल है और टाइगर कहाँ मूव कर रहा है एट द जंगल्स एज है ना टेरराइजिंग द विलेज और जब वो जंग गाँव के बाहर में अगर टाइगर घूम रहा है तो डेफिनेटली विजेस uh, क्या होंगे कि डर जाएंगे है ना क्योंकि एंड वट द पोइट वॉन्ट्स टू से इन दिस इज

या और भी वाइल्ड एनिमल्स हैं इस पोम में टाइगर है तो उनका हैबिटेट अगर हम नष्ट करेंगे तो वो जानवर रहने के लिए कहाँ जाएंगे या फिर अपने फूड के लिए कहाँ जाएंगे डेफिनेटली वो जंगल से बाहर विलेजेस के करीब आएंगे दैट इज वॉट इट सेज एंड दे टाइगर क्या कर रहा है कि एज ऑफ द जंगल में आकर के स्नान कर रहा है अपने क्लॉज uh, 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 और अपने बेरिंग स्वैंग्स को शो कर रहा है यानी कि डरा रहा है और किसको डरा रहा है विलेजेस uh, को डरा रहा है एंड बट हियर इन द ज़ू ही इज़ हेल्ड कैप्टिव एंड इज देर फॉर नॉट एबल टू एक्ट इन अ वे इट नेचुरल डज इन द जू ही इज़ जस्ट इरिटेटेड एंड एंग्री ये टाइगर जो स्नान कर रहा है जो ग्राउल कर रहा है जो अपने फैंक्स को एक्सपोज कर रहा है दिस इज अ टाइगर इन अ फ्री प्लेस वो अपने फ्रीडम में ऐसा कर रहा है बट केज में टाइगर ऐसा नहीं कर रहा केज में टाइगर इज़ मूविंग क्वाइटली इन रेज, वो आपने पढ़ा फर्स्ट टाइम है टाइगर इज़ टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स इन क्वाइट रेज वो शांत होके चिचड़ा होके गुस्सा होके उस केज में घूम रहा है

टाइगर फियरी होना चाहिए फियर्स होना चाहिए फेरोशियस होना चाहिए जंगली जानवर है टाइगर और उसी में उसकी ब्यूटी है क्योंकि नेचर ने उसे ऐसा बनाया है गॉड हैज़ क्रिएटेड टाइगर लाइक दैट बट अभी टाइगर को हमने केज में लॉक करके रखा है लॉक करके रखा है कंक्रीट सेल में जेल में रखा है टाइगर शक्तिशाली होता है स्ट्रेंथ होता है उसके पास अब उसका स्ट्रेंथ कहाँ है बिहाइंड बार इज नॉट फ्री टू स्प्रिंग ही इज़ नॉट फ्री टू अटैक ही इज़ नॉट फ्री टू ग्राउंड वो फ्री नहीं है कि किसी पर भी छरां के अटैक करे uh, शिकार कर ले हंट करे एंड ही इज़ बिहाइंड बार्स दैट मीन्स ही स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड मार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केज इग्नोरिंग विजिटर और जू में जो विजिटर्स आते हैं देखने के टाइगर इज इग्नोरिंग दैम टाइगर को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको देखने में बिकॉज ही इज़ वेरी मच एंग्री न सी द वर्ड मीनिंग्स कॉन्क्रीट सेल कॉन्क्रीट इज अबस्टेंस यूज ऑफ बिल्डिंग विच इज मेड बाई मिक्सटिंग टुगेदर सीमेंट सैंड स्मॉल स्टोन्स एंड वाटर एंड द केज विदाइगर स्केप इज मेड ऑफ अ बार एंड सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब हम सभी जानते हैं मतलब कि जैसे बिल्डिंग मटीरियल होता है उसको हम लोग सेल में सीमेंट और बार से बना हुआ सेल में केज में टाइगर को बंद करके एज ए प्रिजनर रखे हैं स्टॉकिंग मतलब अनवॉन्टेड एंड और रिपीटेड सर्विलांस बाई इंडिविजुअल और ग्रुप स्टॉकिंग मतलब uh, इस कॉन्टेक्स्ट में है कि टाइगर घूम रहा है उसमें केज के अंदर बेसिकली अब इस टैंजा में हम समझ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन uh, देखते हैं। बेसिकली द पोइट कंपेयर द केज इन विच द टाइगर इज कैप्ट विद सेल ऑफ टाइगर कॉन्क्रीट सेल बोल रहा है इसकेज को तो पोइट क्या कर रहा है केज को पिंजरे को किससे कंपेयर कर रहा है एक सेल से प्रिजन से विच मीन्स द टाइगर इज कैप्ट इन प्रिजन एंड इज अ प्रिजनर इन दैट प्लेस एज ऑल हिस्सेंथ दैट कम्स नेचुरली टू हिम इज लॉक्ट बिहाइंड द बात और क्योंकि टाइगर एक कैदी है यहाँ पर टाइगर का स्ट्रेंथ कहाँ है Uh, locked behind the bars he is not free to move about he is not free to attack he is not free to hunt he is caged he is a prisoner in the uh, his prisoner whose strength is behind the bars he simply walks silently here and there inside that cell and is ignoring all the visitors who visit and take pride in watching him behind the bars it's so ironic so sad tiger is ignoring the visitors जबकि जो विजिटर्स जू में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं मैंने टाइगर को देखा बट टाइगर तो रियल फॉर्म में नहीं है टाइगर इज इरिटेटेड एंग्री मूविंग अराउंड इन द केज एक लिमिटेड स्पेस जितना बड़ा उसका केज बनाया गया उतने में ही टाइगर घूमता रहता है चक्कर काटता रहता है बट द विजिटर्स जो होते हैं उनमें बहुत है। खुशी होती है देख करके टू एट द टाइगर नाउ दिस इज़ द फिफ्थ चाइस आई थिंक ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेज विद इज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स अब पिंजड़े में टाइगर क्या कर सकता है वो तो एक कैदी है वहाँ पर क्योंकि हमने उसको केज में लॉक करके रखा है सेल में है ना तो वर्ड मीनिंग्स देखते हैं इसके एक बार येस पेट्रोलिंग मीन्स पेट्रोलिंग कार सबको पता है ना कि वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट टाइगर को लास्ट में क्या वॉइस सुनाई देता है पेट्रोलिंग कार्स के साइड सुनाई देते हैं एंड इन द लास्ट एंस आई वी सी दैट व्हेन अ टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स हिज आई स्टेयर एट दम

वहाँ पे भी वो डिस्टर्ब रहता है एक प्राकृतिक वातावरण में क्योंकि नहीं है देरफो द लास्ट वॉइस एट नाइट इज वॉट यर्स इज द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एंड वो साउंड या उसकी लाइट भी उसकी आंखों को डिस्टर्ब करती है और यहाँ पे ये जो हिज ब्रिलियंट आइज ये टाइगर की आइज़ के बारे में बात कर रहे हैं पोइट और टाइगर ता, क्या करता है अपने आँख से ब्रिलियंट आइज से स्पार्कलिंग टाइगर्स की आग जो चमकीली होती है ही स्टेयर एट द स्टार्ज एज इट इज ट्रू दैट हीज केज बट द स्टार्स रिमेन द सेम एंड अनकेज्ड एंड लुकिंग एट दम ही माइट मिस हिज नेचुरल हैबिट एंड लॉन्ग्स टू बी फ्री टाइगर अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है स्टेयर करना मतलब थोड़ा सा देखना घूर के देखना तो टाइगर की आइज़ को भी ब्रिलियंट बताया गया है द स्टार्स को भी ब्रिलियंट बताया गया है विच मीन्स टाइगर की शाइनिंग आईज से टाइगर क्या करता है स्काई में जो टिमटिमाते स्टार्स हैं उनको देखता है विच इज़ अगेन अ कंपेरिजन कि स्टार्स फ्री हैं अपने प्लेस uh, में हैं सेम रहते हैं रोज अनकेच्ड हैं और अच्छी तरह से शाइन कर रहे हैं बट अ टाइगर इज केच्ड ही इज़ बिहाइंड बाज ही इज़ नॉट हैप्पी ही हिज स्ट्रेंथ इज डिमिनिश क्योंकि टाइगर बाज़ के पीछे है तो उसके स्ट्रेंथ कम हो गया है और टाइगर इज एंग्री टाइगर इज अनेबल टू स्लीप एंड ही इज ही हैज़ लॉस्ड हिज फ्रीडम और टाइगर उन स्टार्स को देख कर ऐसा लगता है कि टाइगर अपने नेचुरल हैबिटाइट को मिस कर रहा होता है एंड ही वॉन्ट्स टू बी फ्री एंड रिटर्न टू हिज प्लेस फ्रॉम वेयर ही वॉज कैप्चर्ड टाइगर का प्लेस कहाँ है फॉरेस्ट है जंगल है तो इस तरह से पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है आई होप यू अंडरस्टूड पोएम का सारांश यह है कि टाइगर या इस पोएम में टाइगर अदरवाइज कोई और एनिमल भी अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में ही खुश होते हैं और वहीं क्योंकि प्रकृति ने उन्हें वहाँ ऐसा बनाया है जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में टाइगर ताइगर ही इज अ वाइल्ड एनिमल ही ताइगर ही वॉन्ट्स टू लिव फ्रीली ही वॉन्ट्स टू हंट जैसा कि उसकी प्रवृत्ति है बिकॉज ही हैज़ टू हंट फॉर इज फूड और केज में वो बहुत ही दुखी है लिमिटेड स्पेस में क्योंकि है एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विद द विजिटर्स ही इज़ वेरी मच डिसइंटरेस्टेड his विजिटर्स को बिल्कुल इग्नोर करता है एंड हीज़ वॉकिंग इन क्वाइट प्रेज अगेन आई एम रिपीटिंग दैट मीन्स टाइगर इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री नाउ द पोइट्रिक डिसेज विच आर यूज इन द पोम इज एलिट्रेशन जैसे मैंने बताया था एलिट्रेशन uh, जब हम कॉन्सटेंट साउंड रिपीट होता उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं प्रसोनिफिकेशन यूज़ हुआ है मानवीकरण मेटाफर यूज हुआ है जैसे कि हम रूपक अलंकार कहते हैं अनजाममेंट मीन्स जब uh, एक लाइन एक थाट दूसरे लाइन में भी आए कंटिन्यूशन uh, में उसे अनजाममेंट कहते हैं इमेजरी यूज हुआ है विच मीन्स इमेज जैसे कि विविड स्ट्राइप्स and uh, uh um, how

The rhyming scheme is A, B, C, B throughout the poem. And as you all might have understood very well, even then, I have given a slide for the central idea in case anybody requires.

का भी और जंगल का भी एंड अगेन बैक अगेन टू द जू द लास्ट पोइट एंड होता है वो हम, हम देखते हैं कि जू के पिक्चर पे द पोएट कन्वेज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन द नेचुरल हैबिटेट बेसिकली द सेंट्रल आइडिया इज एनिमल्स ऑल्सो लव फ्रीडम वी शुड नॉट केज दैम फॉर आर एंटरटेनमेंट दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस ब्यूटिफुल poem of five stanzas a tiger in the zoo written by leslie norris i hope you liked it um, like career share career subscribe career comment career and uh, give your suggestions this is all for today okay thank you so much and we'll be back again very soon thank you have a nice day